हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो, चूंकि शाम को आमतौर पर मैं वीबीए की ही वीडियो अपलोड करता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक वीबीए कोडिंग की के लिए ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक ऐसा वीबीए कोड लिखना है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं देवरिया से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी देवरिया सिटी का जिक्र आए तो वो ऑटोमेटिक किसी कलर में हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर दिखाता हूं आपको ये जो मैंने लिखा है यहां पर, तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें देखिए देवरिया अपने आप हाईलाइट है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आता हूं और अगर मैं यहां पर दिल्ली लिखता हूं, DELHI, ये दिल्ली लिखा हमने, तो दिल्ली हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं देवरिया लिख देता हूं तो ये देवरिया जो है ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। कब हाईलाइट होगा? जबकि हमारा ये कोड चलेगा। ये देखिए ये कोड है हमारा, अगर मैं इसको यहां से रन करा देता हूं और ये देखिए ये रन हो रहा है, देखिए, और रन होने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जा रहा है, देख रहे हैं। अगर मैं फिर नीचे आता हूं और फिर यहां पर देवरिया लिख देता हूं, ठीक है, और एंटर करता हूं, तो अभी तो ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे ना, यहां से जाकर के ये देखिए ये यहां पे गए और इसको एक बार रन करेंगे, तो ये रन करते ही ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। पहले तो हम इसको सेव कर लेंगे, तो यहां से इसे सेव करेंगे, तो मैक्रो टू हाईलाइट के नाम से सेव करता हूं, मैक्रो टू हाईलाइट कुछ भी, एंटर कर देंगे। अब ये तो सेव हो गया। अब जब सेव हो जाएगा, इस कोड को कैसे लिखा गया है और इसमें क्या चीजें हुई हैं, तो ऐसा ये हो रहा है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां से एक्सेल शीट जो ओपन है इसे क्लोज कर देता हूं, और ये दोनों ही एक्सेल शीट यहां पे क्लोज करेंगे हम, इसे सेव नहीं करेंगे, और इसको क्लोज कर दिया। अब वापस से एक्सेल शीट ओपन करते हैं, ये 2007 ही है, ठीक है, और किस तरीके से ये कोडिंग होगी उसको देखेंगे। यहाँ पर जो सिटी का नाम है वो कुछ और दे देते हैं, जैसे लखनऊ दे देते हैं, LUCKNOW, लखनऊ कर दिया। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो अगले जो स्टूडेंट का नाम है वो रितेश हो गया, और इनकी सिटी हो गई क्या, यहाँ पे कर देते हैं दिल्ली, तो ये दिल्ली कर दिया। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये हाईलाइट होने की प्रक्रिया है क्या, किस तरीके से हाईलाइट करेगा, ये सब चीजें समझनी होंगी। तो जो है हम एक एरिया पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं इतना। अब क्या करेंगे, अब यहां से जाएंगे हम कहां, डेवलपर टैब पर, और डेवलपर टैब पे जाने के बाद यहाँ पे विजुअल बेसिक दिखाई देगा, चले चलेंगे इस पर, और ये इस पर जाकर के फिर डबल क्लिक करेंगे शीट पर, तो ये कोड आपको लिख देना है यहाँ, जो भी कलर चाहिए वो कलर का नाम, ठीक है। जैसे कलर का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे येलो है ना, वीवी येलो लिखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं, येलो हटाते हैं, ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, वीवी ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन करने से क्या होगा, यहां पर जब इसे चला देंगे तो ये तो चल गया, वो तो हमारा चल गया ना, चलने के बाद यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया, देख रहे हैं। और अगर इस रेंज में अगर हम देवरिया लिख देते हैं तो यहां पर चलाने के बाद, इस कोड को चलाने के बाद ये फिर ये भी ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो देखिए एक बार इसको चला के देखते हैं, रन करा के, कि ये ग्रीन कलर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे इसे चलाइए और देखिए ये भी ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कोड कैसे लिखना है, ठीक है। मैं ये कोड फिर से दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए ध्यान से, ये वो कोड है जो आपको लिखना है वीबीए की प्रोग्रामिंग करते समय, ठीक है ना। तो इस पर आधारित आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।